Okay, students, so today we are going to start with a new chapter, that is structural organization in animals. Basically, इस chapter में structural organization in living organisms वाले new जो unit है हमारा, उसमें हमारे ना चार chapters included थे. The first one was the plant tissue, then morphology of plants, and then the structural organization in animals. ये three chapters थे और CBSE ने पहले वाले दोनों chapters structural organization in plants वाला सारा मतलब portion ही खत्म कर दिया. So we are going to start with the animal tissues. I think that is a mere issue of two or three days में हमारा ये सारा खत्म हो जाए. Okay. A tissue is a group of similar cells having a specific function and origin. Animal tissues are of four types. A tissue is a group of similar cells having specific function and origin. A tissue is a group of similar cells. मतलब tissue के अंदर जितने भी cells हैं वो structurally and functionally similar होते हैं and have a specific function and origin. ये इनका कोई specific function है और ये एक स्पेसिफिक सेल से ओरिजिनेट होते हैं. दीज आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन. सो बेसिकली एनिमल्स में चार टाइप के टिश्यू होते हैं. फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट वन इज द कनेक्टिव टिश्यू जो बाकी बॉडीज को कनेक्ट करता है. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हर एक ऑर्गन की फर्स्ट अपर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करता है. देन जो है कनेक्टिव टिश्यू, देन इज द मस्कुलर टिश्यू एंड देन इज द न्यूरल टिश्यू. ओके, द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू. Epithelial tissue or epithelium. It has a free surface that faces the body fluid or outside environment. जो epithelial tissue है वो क्या करता है? Face the body fluid or outside the environment because ये outer most layer है. या तो ये क्या करते हैं? Body fluids means blood को फेस करता है या फिर आउटर एनवायरनमेंट को फेस करता है. इट लाइंस, लाइनिंग है ये. आउटर वाली साइड भी लाइनिंग है, इनर वाली साइड भी लाइनिंग है. लाइंस एंड कवर्स द बॉडी और द बॉडी पार्ट्स. जो हमारी स्किन है, स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी है. द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम होती है. कॉम्पैक्टली मीन्स properly packed है. कोई भी इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो नहीं प्रेजेंट है. इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है एंड मैट्रिक्स है जो वो फिल्ड होता है. सो एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, द सिंपल सिंगल लेयर्ड एंड द कंपाउंड मल्टी लेयर्ड. एपिथेलियल टिश्यू जो सिंगल लेयर्ड है that is formed of single layer of the cells. ki cell 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 single layer formed hai cell ki, uske baad cell layer of the cells ke upar layer of the cells, then again layer of the cells and then again layer of the cells. This is the compound or multi layered tissue, epithelial tissue and compound tissue. theek hai, epithelial is of two types, simple means single layered and compound means multi layered. As you can see in the diagram also. Then is simple epithelium. जो single layer of the tissue है उसको हम simple epithelium बोलते हैं. Simple epithelium होता है हमारा तीन types का, squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. Simple epithelium is composed of single layer of cell. इसमें जो होती है single layer of the cells forms the whole tissue. It lines the body cavities, ducts and tubes. ये body cavity को line करता है, ducts को जो blood vessels हैं basically ducts हैं उनको line करता है and जो हमारी tubes हैं esophagus वगैरह हो गई, ये सारी tubes हैं जो इनको भी line करता है. Basically जैसे हम अपने किसी भी
चीज किसी भी मशीनरी वाली चीज के ऊपर हम लैमिनेशन करवा लेते हैं. लैमिनेशन इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव लेयर, है ना, प्रोटेक्टिव लेयर करवा लेते हैं. कॉपीज के ऊपर भी आप लैमिनेट करवाते हो. वैसे ही जो सिंपल एपिथेलियम है या एपिथेलियल जो टिश्यू है, इट एक्ट्स एज लैमिनेशन. ये लाइन करता है, ये कवर करता है हमारी बॉडी को. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज ऑफ थ्री टाइप्स. सिंपल एपिथेलियम अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स का होता है. थ्री टाइप्स का कैसे? अगर स्क्वेयर शेप्ड सेल्स है तो उस टाइप के एपिथेलियम को बोला जाता है स्क्वामस एपिथेलियम. अगर क्यूबॉइडल टाइप सेल्स है उस टाइप के एपिथेलियम को बोला जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एंड अगर कॉलुमनर मीन्स थोड़े लॉन्ग मीन्स पिलर लाइक सेल्स है तो उन टाइप के सेल्स को क्या बोला जाता है? कॉलुमनर एपिथेलियम. ये वाला जो डायग्राम है, लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स, यू कैन सी दीज आर द कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स. सो सिंपल एपिथेलियम जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है, दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमन. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल एपिथेलियम, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज. देयर बाउंड्रीज आर नॉट रेगुलर. देयर फॉर्मिंग द इररेगुलर बाउंड्रीज. इररेगुलर बाउंड्रीज का क्या मतलब है? कि एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन जैसी बाउंड्री नहीं होती है, कर्व्ड लाइनिंग हो सकती है. Found in the wall of blood vessels and lung alveoli. Blood vessels ki wall mein and lung alveoli ki wall mein present hai. Theek hai? Walls of the blood vessels means ki jo hamari blood vessels ke andar and bahar layer hai, that is formed of squamous epithelium. ये क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि एपिथेलियल लेयर है, दैट इज बेसिकली द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर एंड इट कवर्स द बॉडी. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी या लैमिनेशन टू द बॉडी. फंक्शंस फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री. डिफ्यूजन करने के लिए हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है हमें. तो ये क्या बाउंड्री प्रोवाइड करती है? सो दैट मोर एंड मोर डिफ्यूजन जो है वो हो सके. फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री. Found in the walls of blood vessels and lung alveoli. Okay, so next thing is simple epithelium, cuboidal or cubical epithelium. Simple epithelium, jo cuboidal epithelium hai, that is composed of cube-like cells. These cube-like cells are found in duct of glands and tubular parts of nephrons. These cube-like cells are found in ducts of glands and tubular parts of nephrons. Their function is secretion and absorption. Jo cuboidal cells hain, basically they help in secretion and absorption of various substances. Epithelium of PCT of nephron has microvilli, and microvilli are basically jo we can say modified cuboidal epithelium. क्योंकि cuboidal इनके जो cells हैं वो cube shaped होते हैं, इसलिए इनको cuboidal epithelium बोला जाता है. These are found in ducts of glands and tubular parts of the nephron, and their function is secretion and absorption. Yeah. So next we have columnar epithelium. In the simple epithelium we have the third category, that is columnar epithelium. Columnar epithelium ko columnar epithelium kyun bola jata? Because it has column like cell. Column like cells jo hote hain, they are basically quite long cells, comparatively long cells, composed of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. Inke jo nucleus hote hain वो बेस ऑफ द सेल्स पे होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम, ये जो सेल्स हैं बेसिकली दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ न्यूक्लियस, आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल.
They have many free surfaces that have microvilli. Free surfaces may have microvilli. जो इनकी surface है, they can have microvillus or microvilli. These kind of cells are found in the lining of stomach and intestine. The stomach and intestine lining are covered with the help of columnar epithelium. Basically, इनका भी जो काम है, that is secretion and absorption, and comparatively more absorption than the cuboidal cells. जो intestinal villi होता है, हमें पता है small intestine में सबसे ज्यादा absorption होती है nutrients की. Small intestine has a villi, and that villi is then guided with the help of, and then this villi is this villi is lined with blood vessels. Blood vessels में blood होता है, तो जितना भी nutrients हमारे small intestine absorb करते हैं, वो सारा blood क्या है, absorb कर लेता है. So their function is secretion and absorption. Now, the next type is modification of columnar or cuboidal cells. Cells bear cilia on their free surface. जो cells के पास है cilia होता है free surface के ऊपर, ठीक है. Cells bear cilia on their free surface. These columnar cells are further divided into two types, ciliated epithelium. Ciliated का मतलब cilia present है. And ये cilia क्यों present है? Cilia अगर हम lower organisms में देखेंगे, तो they are basically ciliated जो epithelium है, they are responsible for the movement or locomotion. But in this case, it is responsible for the movement of other substances, जैसे present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. Bronchioles में क्या होता है? हमें पता है कि जो हमारा ब्रोंकाई होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शरी सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई. टर्शरी ब्रोंकाई इज देन फर्दर ब्रांच्ड इनटू ब्रोंकियोल्स. दीज ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है टू पुश अप द म्यूकस. जब किसी भी पर्सन को कोल्ड हो जाता है, तो उसमें म्यूकस जो है सिक्रीशन वो ज्यादा बढ़ जाती है. जब म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए वी एक्सर्ट सम टाइप ऑफ प्रेशर. तो ये जो म्यूकस है वो पुश आउट हो जाता है बॉडी से विद द हेल्प ऑफ दीज सिलिएटेड. ये सिलिया है ना, जो ये सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करता है. द फंक्शन टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम. कोई भी हार्मफुल चीज है या ओवरीज है, जैसे ओवरीज में भी, ओवरीज कैसे मूव करती है? विद द हेल्प ऑफ सीलिया. सपोज करो, आप इमेजिन करके देखो, अगर सीलिया नहीं होंगे तो ओवरीज क्या है, वो मूव नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द बेसिक थिंग. यस, नाउ फॉर सेक्रीशन दे आर टू टाइप्स. सेक्रीशन के लिए दो टाइप के होते हैं. ग्लैंडुलर, सपोज करो जो हमने क्यूबॉइडल, हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा. सिंपल एपिथेलियम के अंदर हमने थ्री कैटेगरीज को पढ़ा, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द कॉलुमिनर एपिथेलियम. हमने स्क्वामस, कॉलुमिनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया. एंड देन हमने पढ़ा सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम. एंड देन वी आर नाउ डूइंग विद द, नाउ डीलिंग विद द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है, या तो एक सिंगल सेल का ग्लैंड बन जाता है, that is goblet cells of the alimentary canal. Goblet cells of the alimentary canal क्या करते हैं, वो mucus secrete करते हैं. They are present in the alimentary canal to secrete the mucus. Gastric glands हैं, वो HCl secrete करते हैं. हमने पढ़ा है ना कि जो हमारा stomach है वो acid secrete करता है, और acid secrete करने की वजह से जो stomach में digestion है वो possible हो पाता है. तो गोब्लेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं. मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स. तो सेक्रीशन के लिए दो टाइप के ग्लैंड्स फॉर्म होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज नथिंग बट जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलुमिनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. वो क्या कर लेते हैं, यूनिसेलर. अगर एक ही सेल सेक्रीशन करना शुरू कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलर ग्लैंड. एंड मल्टी सेलर ग्लैंड क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलके एक ग्लैंड बनाते हैं, देन वो सेक्रीशन करते हैं, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड. ओके, या
So now let us go further. Based on the mode of pouring their secretion, glands are of two types. Glands are basically of two types, exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland kya hota hai? They release through ducts. Exo ka matlab with the help of duct. Endo ka matlab without duct. Basically, exo ka matlab kya hai? Koi bhi cheez bahar ja rahi hai with the help of duct. Endo ka matlab wo directly andar chale gaye blood ke. Theek hai? To blood, endocrine gland hai na, jo apni secretions, inko hormonal glands bolte hai. To endocrine glands na hormone hi secrete karte hai, and hormone humare blood mein paaye jate hai. Endo ka matlab kya ho gaya yahan pe? Endo ka matlab andar hota hai na, but directly blood ke andar. Exo ka matlab blood mein kabhi nahi jati wo cheez bahar hi rehti hai blood se. They release secretions through ducts. Exocrine gland secrete mucus, saliva, ear wax, oil, milk, digestive enzymes, etc. Endocrine glands have no ducts, they produce hormones. So glandular ya glands are of two types. So yahan pe hamara jo epithelial tissue tha wo khatam ho gaya, simple epithelial tissue. Now we are going to deal with the compound epithelium tissue. Compound epithelial tissue jo hota hai composed of multi-layered of cells. Jaise epithelial mein thi ya to square shaped cell the ya cuboidal the ya columnar shaped cell the, wo ek hi layer mein present the. एक ही लेयर क्या कर रही थी, पूरी टिश्यू को फॉर्म कर रही थी. एक ही लेयर ने क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाय को फॉर्म कर लिया, विलाय या माइक्रोविलाय को फॉर्म कर लिया, एंड एक ही लेयर ने ग्लैंड्स को फॉर्म कर लिया. कंपाउंड एपिथेलियम में एक लेयर के बाद और लेयर्स आएंगी, हो सकती है तीन लेयर्स हो, पांच लेयर्स हो, दस हो, पंद्रह हो. ठीक है, इट मे डिपेंड, बिकॉज ऑफ दिस मल्टी लेयर्ड नेचर दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज कंपाउंड एपिथेलियम. It has a limited role in secretion and absorption. They cover the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland and pancreatic ducts. They cover dry surface of skin. ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन मतलब ऊपर वाली लेयर है जो हमारी स्किन की, दैट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. बक्कल कैविटी के अंदर वाली जो हमारे चीक्स एंड जॉ लाइन्स है, जॉ टिश्यू बेसिकली, वो सारा किसका बना है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. फेरिंग्स है जो, वो भी कंपाउंड एपिथेलियम का बना है. सलाइवरी ग्लैंड के इनर लाइनिंग है जो, वो भी कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है. एंड पैनक्रिएटिक डक्ट्स है जो पैनक्रियाज में से जो डक्ट्स अराइज होती हैं टू सिक्रीट इंसुलिन एंड ग्लूकागन, सॉरी टू सिक्रीट द पैनक्रियाटिक जूस. डक्ट्स में से पैनक्रियाटिक जूस होता है एंड डायरेक्टली जो ब्लड में जाता है दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन. या तो पैनक्रियाटिक डक्ट्स भी क्या होती है, कंपाउंड एपिथेलियम से लाइंड होती है. द फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. अब देखो ये कुशन फॉर्म कर लेता है, एक टाइप का कुशन है ना. कुशन मतलब फैटी लेयर जिसकी हेल्प से हम मैकेनिकल, सपोज करो अगर कोई स्टूडेंट है वो गिर जाए, अगर वो फर्श के ऊपर डायरेक्टली सरफेस के ऊपर गिर रहा है, हार्ड सरफेस के ऊपर जैसे कि सड़क हो गई या फ्लोर हो गया हार्ड फ्लोर, तो उसके ज्यादा चोट लगेगी. बट अगर वो कुशन के ऊपर गिर रहा है, गद्दे के ऊपर गिर रहा है या फिर पिलोज के ऊपर गिर रहा है, पिलोज का कुशन बनाया हुआ है किसी ने, उसके ऊपर गिर, तो उसको चोट नहीं लगेगी. तो वैसे ही हमारा जो कंपाउंड एपिथेलियम है ऐसे कुशन का काम करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेस एंड केमिकल स्ट्रेस से ऑर्गन्स को बचा लेता है. सेल जंक्शन, सेल जंक्शन है वो भी टिश्यूज के बने होते हैं. दीज आर द जंक्शन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन. So there are three types of junctions that are present between the tissues, the tight junction, the adhering junction and the gap junctions. Tight junctions ki baat karte hain, help to stop substances from leaking across a tissue. Ye jo tight junction hai wo bilkul tightly pack kar leta hai do tissue ko aur kisi bhi type ki jo leakage hai wo nahi hoti hai. Perform सपोज करो कि मैंने आप लोगों के हाथ में पानी दिया, मैंने बोला कि हाथ को कुछ ऐसी शेप में बना लो कि पानी लीक ना हो.
दैट वॉज द बेसिक थिंग. तो आपने क्या किया, अपने हाथों को कुछ इस टाइप से टाइटली पैक कर लिया कि पानी की लीकेज ना हो पाए. दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन. एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, एडहेरिंग जंक्शन इज जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं, सो दैट बिल्कुल जोड़ देते हैं, बिल्कुल चिपका देते हैं. परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टूगेदर. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ions and small molecules. इसका क्या मतलब हुआ कि cells को communicate करने में help करता है, और ये क्या करता है, cytoplasm of the adjoining cells को contact करता है. देखो यहाँ पे we can see now. Wait पे आपको indicate ये diagram देखो. डायग्राम के अंदर दीज आर द टाइट जंक्शंस. ये किसी भी टाइप की लीकेज को प्रिवेंट कर रहे हैं कि यहां से साइटोप्लाज्म है जो वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट टिश्यूज क्या है वो जुड़े हुए हैं एंड किसी टाइप की लीकेज भी नहीं हो रही है. एडहेरिंग जंक्शंस क्या है, एडहेरिंग जंक्शंस दीज आर द सीमेंटिंग मटीरियल्स. ये क्या कर रहे हैं, ये दो टिश्यूज को जोड़ रहे हैं, सीमेंटिंग मटीरियल जैसा ये काम कर रहे हैं. एंड दीज आर These are the gap junctions जो cytoplasm exchange में help कर रहे हैं और दो cells को बिल्कुल जोड़ रहे हैं. तो ये क्या करते हैं, rapid transfer of ions, किसी भी type की ions की small या big molecules की अगर exchange होनी होती है तो वो किसके through होती है, gap and tight junction से ही होती है. Connective tissue. Connective tissue is a type of tissue that connects the organs of the body. Connective tissue connects the different tissues of the body. Iski introduction kar lete hain. It links and supports other tissue or organs. It is most abundant in complex animals. Kyunki complex animals ki body jo hoti hai wo bahut zyada badi hoti hai. Uske sath kya hota hai? उनके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंड होते हैं. ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. दे सेक्रेट फाइब्रस प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन. ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. सब सिर्फ ब्लड में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होते हैं. ब्लड इज ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अदर काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज, कार्टिलेज बोन, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. ठीक है, तो इनके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइब्रस प्रोटीन्स बनाते हैं. फाइब्रस प्रोटीन्स दो टाइप्स के होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन. एंड कोलेजन एंड इलास्टिन होते हैं जो दे गिव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी टू द टिश्यू. जैसे हमारे किसी भी टाइप का कार्टिलेज है, लिगामेंट है, तो इस टाइप के टिश्यू को इलास्टिसिटी मिलती है विद द हेल्प ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन. द सेल्स आल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स व्हिच एक्युमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स. द सेल्स आल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स. पॉलीसेक्राइड्स इज बेसिकली अ मैट्रिक्स जो क्या करता है, सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है. सो the connective tissue is of three type, loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Loose connective tissue is of two type, areolar tissue and adipose tissue. ठीक है, loose connective tissue is loosely arranged. This areolar and adipose are the types of loose connective tissue. Dense connective tissue में dense irregular and dense regular type के connective tissue आते हैं. जो डेंसली, जो रेगुलरली डेंस है और जो एक टाइप से डेंस है दूसरे साइड से नहीं डेंस है, इरेगुलरली डेंस. और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आर ब्लड बोन कार्टिलेज. ब्लड बोन कार्टिलेज आर आल्सो द काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंस वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इन दिस The cells and fibers are loosely arranged in a semi-fluid matrix. Matrix जो है वो semi-fluid होता है. Either you can say it is a jelly type. Jelly जो होती है that is basically semi-fluid matrix. And जो areolar and adipose tissue है it is of two types. ठीक है, loose connective tissue two types का होता है, areolar and adipose tissue. Areolar tissue है that is
also a semi-fluid matrix, and adipose tissue is also a semi-fluid matrix. So, एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बिनेथ द स्किन. एरियोलर टिश्यू बिल्कुल स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है. इट सपोर्ट्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. फ्रेम मतलब एपिथेलियम को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें सेल्स है और इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है. जो हमने पढ़ा, स्किन है, स्किन इज अ काइंड ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब हुआ एक लेयर ऑफ सेल्स है, देन दूसरी लेयर ऑफ सेल्स है, तीसरी लेयर ऑफ सेल्स है. ये थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स है जो हमारी प्रेजेंट है स्किन के ऊपर, या फिर मोर देन थ्री, मोर देन 10-15 जितने भी टाइप के हम बोल सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में होती है. उसके बाद स्किन के लेयर्स के बाद हमारे पास एरियोलर टिश्यू है जो क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क देता है एक टाइप का, जिसकी वजह से स्किन अपनी प्लेस पे रहे. एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी स्किन के नीचे होती है. एंड एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोर करता है. आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा फैटी होते हैं उनकी स्किन क्या होती है, बहुत मोटी होती है. वो स्किन मोटी क्यों होती है, क्योंकि पहले तो आ गया हमारी स्किन, उसके बाद आ गया एरियोलर टिश्यू, उसके बाद थर्ड लेयर जो होती है दैट इज एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता रहता है. जितना फैट जो बंदा खाएगा वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्किन है वो मोटी होती रहेगी. Its cells are known as adipocytes. Excess nutrients are converted into fats and stored in the tissue. चाहे किसी ने ग्लूकोज खाया, मतलब चाहे किसी ने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया, प्रोटीन ज्यादा खाया, बट अल्टीमेटली जो हमारा ग्लूकोज है, थोड़ा सा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है. जो ज्यादा होता है वो एडिपोज टिश्यू में फैट्स के फॉर्म में ही स्टोर होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है. Now, the other kind of tissue is a dense connective tissue. Fibers and fibroblasts are compactly packed into two types. यहाँ पे देखो semi-fluid matrix था हमारा loose connective tissue में. Dense connective tissue में जो fibers and fibroblasts हैं, वो बिल्कुल compactly packed हैं. जो tissues को क्या बना रहे हैं, बहुत ज्यादा dense बना रहे हैं. So dense जो connective tissue है, that is of two types. Dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. Dense connective tissue shows regular patterns of fiber. The collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. Example, tendons and ligaments. Dense connective tissue show regular pattern of fibers. And collagen fibers are present in rows between many parallel bundle of fibers. Dense regular connective tissue ke example hai tendons and ligaments. What are tendons? Tendons attach muscles to bones. Ligaments attach bone to bone. And these are kind of dense connective tissue jisme fibers and fibroblasts jo hai, cells hai, wo are compactly packed hai. Irregular type of जो होते हैं they are collagen. Irregular pattern of fibroblast and fiber. जो क्या करता है, एक जगह पे तो बहुत ज्यादा thick कर देता है, दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा light कर देता है.